हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आज की मेरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमारी कोर्स तो कंप्लीट हो ही चुका है, आप सभी को पता है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशंस लेकर आए थे। इससे पहले वाली आप वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने एच टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे एच टेट में आपका जो हरियाणा एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है, यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपका सी टेट होता है वैसे ही, तो उसमें जितने पूछे गए थे पीजीटी भी से रिलेटेड और टीजीटी और पीआरटी के भी, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। क्योंकि जो पेडागोजी का जो कंटेंट है या कोई भी जो अब तक के पेपर्स हो चुके हैं, वो कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं। और बेसिकली हम इसलिए डिस्कस करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल पे या किस तरीके का पैटर्न जो है सेट किया जाता है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा वो थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन अब उसको घुमा के या किस लॉजिक और कि क्या चीज़ सोच कर क्वेश्चंस को मेंटेन किया गया है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के जो हम इस सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम KVS PGT TGT एंड PRT के लिए पेडागोजी का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो आपके उसमें आ चुके हैं, ठीक है, KVS के PGT एग्ज़ाम्स में और PRT TGTs में पेडागोजी के, वो मैं आपके लिए इन सीरीज में कंप्लीट कर दूंगी ताकि आपके रिविज़न क्या है अच्छे से हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है ये यदि वह एक जो टीचर होता है, जैसे आप अभी टीचर बनने वाले हैं, आप अपना का एग्ज़ाम बीट कर रहे हैं, तो एक सफल यानी कि एक सक्सेसफुल टीचर आप किसको कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों को विषय की जानकारी देता है या देती है, एक ऐसा टीचर जो केवल विषय की जानकारी देखते हैं यानी कि कंटेंट पढ़ा देते हैं। बी ऑप्शन है, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है या करती है। इसमें बी ऑप्शन है, जो विषय वस्तु है आपकी, जो भी आपका कंटेंट है, करिकुलम है, उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि एक अच्छे तरीके से मैनेज करके, जिसके अंदर टीचिंग एड्स भी यूज़फुल होती हैं, बाकी मेथड्स भी यूज़फुल होते हैं, उसके थ्रू टीचिंग लर्निंग टीचिंग करवाता है। और सी ऑप्शन आता है, छात्रों की परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करना, और एक ऐसा टीचर अच्छा है जो केवल एग्जामिनेशन पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कि किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए उसको सही तरीके से क्या है मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ है, अति सक्रिय रवैया मतलब जो नज़रिया है, एक एक्टिव और एक अति सक्रिय जो नज़रिया होता है टीचिंग के प्रति, वो कैसा है। गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, सी शिक्षक अनिवार्य ऊर्जावान और अति सक्रिय होना चाहिए, डी विषय अति सक्रिय होना चाहिए ना कि स्थिर होना चाहिए। जो आपका कंटेंट है वो सक्रिय होना चाहिए ना कि स्थिर, शांत नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें। लेकिन आपका आंसर है ए, कि गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, ऐसा शिक्षण होना चाहिए जो आपका टीचिंग लर्निंग हमारा प्रोसेस होता है उसके अंदर कैसी टीचिंग करानी चाहिए, जिसके अंदर आपकी एक्टिविटी बेस्ड हो। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण को प्रभावचारिकता पर निर्भर करती है। जो आपकी शिक्षण है यानी कि टीचिंग है, उसका प्रभाव क्या है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ होना या शिक्षक की योग्यता। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षक को विषय की समझ होना। जब तक टीचर को कंटेंट के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो वो आपको पढ़ाएगा क्या। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीचर को क्या है, उसके कंटेंट यानी कि विषय वस्तु के बारे में अच्छी नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आप टीचिंग करवाते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, केवल एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उनको प्रिपेयर कर देना, अच्छे नोट प्रिपेयर करने के लिए बोलना। सी ऑप्शन है, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना,
कि जो भी आपका कंटेंट है उस वो कंटेंट जो कहना चाहता है, जो बात रखना चाहता है, उससे संबंधित जो भी सूचना देनी है बच्चों को वो दे देना। एंड डी ऑप्शन है छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। तो बिल्कुल सही कि इसमें आपका ऑप्शन है डी कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी उसकी टीचिंग कराई जाए कि उसको सोचने की शक्ति को विकसित कर सके, उसको ये पता हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो किस क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा है, एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो वो मेरी डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है, या मैं अपनी बाकी प्रॉब्लम्स उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यहाँ पे शिक्षण संबंधी जो आपकी यानी कि मतलब टीचिंग एड्स, जो आपकी टीचिंग एड्स हैं उनका कौन कौन सी टीचिंग एड्स क्या है उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन छात्रों को प्रभावित करने के लिए, सेकंड ऑप्शन शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी ऑप्शन छात्रों को एकीकृत बनाने के लिए, डी ऑप्शन छात्रों की समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने के लिए। तो इसमें टीचिंग एड का ऑप्शन है कि इसमें ऑप्शन आता है आपका बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, छात्रों में श्रम यानी कि मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, मेहनत करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देने चाहिए बच्चों के सामने। ऑप्शन बी, शिक्षक को मेहनत के काम में लगाना चाहिए, टीचर को मेहनत के काम में लगाना चाहिए। ऑप्शन सी, मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्या देनी चाहिए, यानी कि मेहनत होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, उस पर एक लेक्चर देना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन डी आपका सही है कि छात्रों को क्या है, खुद काम करने के लिए ऑप्शंस दिए जाएं ताकि वो खुद मेहनत करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेहनत करने का कितनी मेहनत लगती है किसी काम को करने के लिए, यानी कि हर काम में जो आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें मेहनत कितनी इम्पॉर्टेंट है, हार्डवर्क कितना ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा क्या है आपके परिश्रम के परिणाम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑप्शन ए, उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, आप एक रेपुटेटेड स्कूल से आते हैं तो बच्चे की गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। बच्चों में एडिकेट्स ज़रूरी हैं कि आप एज अ टीचर सबसे पहला काम यही करेंगी कि बच्चों के अंदर एडिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए कि उनको किस व्यक्ति के साथ कब कैसा व्यवहार करना है, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ। तो आप वहाँ पर स्वयं क्या करेंगे कि वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता यानी कि अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, माता पिता को लिखना चाहिए, मतलब पत्र लिखना चाहिए। ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है कि माता पिता को क्या है, पत्र लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, एक नोट लिखना चाहिए कि उनसे आकर मिले। अब ऐसा तो नहीं है क्लास में 10 बच्चे बिगड़े हुए हैं या टीचर उनसे बात करना चाहती है तो टीचर 10 के 10 के घर जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और किसी भी कंडीशन में वो दंड भी नहीं दे सकती बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, एक बच्चा जब समूह में सीखता है यानी ग्रुप में सीखता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सहभागिता करते हुए सीखता है तो वैसे किस उन अभ्यासों को क्या कहते हैं। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सेकंड, अनदेखा कर देना चाहिए। और सी ऑप्शन है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑफ कोर्स उस प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि आप समूह को ग्रुप एक्टिविटीज़ को जितना बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, इन्वॉल्वमेंट कराएंगे बच्चे की, बच्चा क्या है उतना और अच्छा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है,
को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये कंपलसरी हो गया कि कंप्यूटर की जानकारी होनी ही चाहिए, और कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। डी ऑप्शन है, को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर है ए कि कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, बिना कंप्यूटर के भी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ाना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किसमें बंटित यानी कि उसको बांटकर, और ऑप्शन बी है समूहित यानी कि समूह में डिवाइड करके, ऑप्शन सी है अंतरालित यानी कि अंतराल में बांटकर, और ऑप्शन डी आता है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा, इसमें आपका आंसर है आंसर बी समूहित, कि एक समूह के रूप में जो भी पठन सामग्री है आपकी उसको एक दौर में पढ़ाना क्या है, समूहित करके पढ़ाई जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, जो आपका करिकुलम है उसको बनाने का कार्य क्या माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषत कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेष गत्या वाला कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसमें आपका आंसर आएगा सी, एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप में, यानी इसका आंसर होगा आपका लोगों के बीच में। अगर विद्यार्थियों की आप जितनी प्रशंसा या किसी काम को अच्छे करने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो, तो अगर लोगों के बीच में करोगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, और ज़्यादा मोटिवेट होगा किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता ने निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, समूह सक्रियता से निपटने के लिए कौन सा काम यहाँ पे मतलब क्रिया सही है। विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में असक्षम होते हैं, एंड सी विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो ये बोलना चाह रहा है कि जो बच्चे का एक ग्रुप बन जाता है उसमें जो उसकी भागीदारी बन जाती है, सक्रियता बन जाती है, उसका एक पार्टिसिपेशन बन जाता है, उससे निपटने के क्रम में बच्चा किस हिसाब से क्या है किसी चीज़ को जज कर सकता है या जज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सही सभी होगा आपका, क्योंकि बच्चा किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट जितनी ज़्यादा हो जाती है बच्चे की चाइल्डहुड एज में या फिर किशोर अवस्था में, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या होता है अपरिपक्व होता है, इतना मेच्योर नहीं होता कि उसे सही गलत का पता चले, उसका ग्रुप सही है या गलत है वो अपने फ्रेंड्स की ही बात सुनेगा। विद्यार्थी अच्छे बुरे में अंतर भी नहीं कर पाता है, इसीलिए भी उसके ग्रुप में क्या है सक्रियता बढ़ जाती है, और विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील हो जाता है, वो इमोशन से जुड़ जाता है बाकी बच्चों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। आप स्कूल में क्या करते हैं, जब भी आप किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, अभी क्या है ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, तो ग्रेडिंग सिस्टम के बाद एक हमारा अंक यानी कि मार्क सिस्टम भी है, मार्क सिस्टम भी है एक। तो मार्क सिस्टम में ये दोनों सिस्टम किसके अंदर रखे जाते हैं, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर रखे जाते हैं, राइट। तो एग्जामिनेशन आप स्कूल में लेते हैं तो यानी कि ग्रेड और अंक के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना किसी स्तर पे प्रवीण है या कितना नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कूल पुस्तकालय यानी कि जो आपकी स्कूल लाइब्रेरी होती है, डैश का एक शैक्षिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़े महत्व, ज्यादा मूल्य नहीं, और विचारणीय यथेष्ट मूल्य। इसका होगा डी आंसर की यथेष्ट मूल्य। आपकी स्कूल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके शैक्षिक तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश परसेंट हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको ग्रहण कर लीजिए। दृश्य और श्रव्य यानी कि विजुअल और ऑडियो के माध्यम जो होते हैं, जिनसे जैसे बच्चा आप हमेशा कैसे सीखते हैं,
आप हमेशा या तो कोई चीज़ या कोई कंटेंट सुन के सीखते हैं या देख के सीखते हैं, तो कितना परसेंट आप दोनों के दोनों अपने विजुअल ऑडियो और विजुअल एड्स को, यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए दृश्य और श्रव्य सामग्री का, कि आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, कितना परसेंट सीखते हैं अनुसंधान के माध्यम से? तो हम सीखते हैं यहाँ पे 80%, ऑप्शन नंबर बी, कि कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु की कंटेंट को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वो अपनी आँखों के द्वारा और अपने कानों के द्वारा यूज़ करते हुए 80% तक लर्निंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। अब इसमें ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अनभिंगता, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एंड ऑप्शन डी निरुत्साहन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, अभिप्रेरणा। अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। मान लीजिए कि किसी बच्चे की कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो फिफ्थ क्लास के बच्चे की है, ठीक है, उसके अंदर ये योग्यता है कि वो किसी चीज़ को सॉल्व कर सकता है या पांचवी क्लास के स्तर के बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं कहोगे, तो वो बच्चा आगे बढ़कर क्या है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए किसी की योग्यता से भी ज़्यादा, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा अभिप्रेरणा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे, कैपेबिलिटी का क्या करोगे जब तक बच्चा प्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, मोटिवेट होकर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए एक प्रबल जो चर है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सबसे ज़्यादा है मोटिवेशन। कुछ भी आप पढ़ाइए, एनीथिंग, आपको किसी भी रूप में बच्चे को पहले मोटिवेट करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल यानी कि परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देते, बढ़ावा देते हैं से कुछ लेना देना नहीं है एंड डी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वर्ग कक्षा के माहौल यानी कि जो आपका कक्षा का परिवेश है, जो क्लासरूम है, उसके अंदर सकारात्मक पढ़ाई जो आपको करानी है, पॉजिटिव लर्निंग बच्चों को पढ़ानी है, उसमें जो आपका एनवायरनमेंट है स्थापित करना, मजबूत करना, वो बढ़ावा देते हैं शिक्षकों को उसकी टीचिंग लर्निंग को या नहीं देते? तो ऑफकोर्स देते हैं, तो इसका आंसर होगा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता यानी कि उसकी जो प्रभाविकता है, मतलब मान लीजिए कोई टीचर है और उसका प्रिंसिपल उस पर हावी हो रहा है, ये उसके सीनियर उस पर हावी हो रहे हैं और उनको किसी और काम को, टीचिंग को छोड़ के किसी और काम को करने के लिए विवश किया जा रहा है, तो उसमें उनकी क्षमता, जो टीचर की क्षमता है, उसका क्या होता है, कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अशांतता घटती है और अप्रभावित रहती है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर एक टीचर टीचिंग करा रहा है, ठीक है, एक टीचर तो उसका काम क्या है, टीचिंग कराना ही है ना, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि नहीं आप झाड़ू पोछा मारो या कुछ और देखो, किचन का काम देखो, ये वो, तो उसका जो क्षमता है, प्रभाविकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है टीचिंग वाली, वो तो ऑफकोर्स घटेगी ही ना, क्योंकि उसको उसका काम तो टीचिंग कराना है एज अ टीचर, तो वो किचन में क्या करेगा, शेफ थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, तो जस्ट अ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस, तो इसको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ये फिनिश होती है। इसमें मैंने आई थिंक 20 और 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप देखिए इसके अंदर हमारे जो कैसे क्वेश्चंस मेंटेन हुए थे कि एज ए टीचर आपको कैसे टैकल करना है, आप किसी बच्चे को हिल स्टेशन पे लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे आप कैसे बिहेव करने को कहेंगे, कैसे बच्चे को टैकल करेंगे, ये सारी कंडीशन क्या है वहाँ पे आपके साथ रखी जाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो के साथ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. थैंक यू.